वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जम्मिया पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सब मैं लिखिया तुरका। इस वीडियो दे विच साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी दे जन्म दिहाड़े दी आप जी दे नाल सांझ पावांगे। सो सारियां नूं बेनती है कि चैनल नूं सबसक्राइब करो अते वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो। साहिबजादा अजीत सिंह जी दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे वड्डे सपुत्र सन। नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पोतरे अते छेवें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे पड़पोते सन। साहिबजादा अजीत सिंह जी का जन्म 11 फरवरी 1687 ईस्वी नूं श्री पौंटा साहब विखे माता सुंदरी जी की कुख तों होया। माता गुजरी जी नूं पोतरे दे जन्म दीआं खुशियां अते वधाइयां मिलियां। माता जी ने सब नूं जो घर वधाई देण आउंदे उस नूं जथा योग धन कपड़ा फल मेवे मिठा मिष्ठान आदिक दे के बहुत खुशियां वंडियां। जद माता सुंदरी 13वां नहा चुके सन तां माता गुजरी जी ने पुरोहित दया राम जी नूं कहा कि गुरु जी नूं आखो कि साहिबजादे दा नाम रखन जो वंश नूं उज्जल करन वाला होवे। सतगुरु जी ने फरमाया कि पंघाणी दा युद्ध जित के इस दा जन्म होया है, इस वास्ते इस साहिबजादे दा नाम अजीत सिंह रखना ठीक है। माता जी ने साहिबजादे दा नाम बड़ी प्रसन्नता नाल सुन के होरना नूं सुनाया, जिस नूं सुन के सब ने माता गुजर कौर जी नूं बहुत वधाइयां दित्तियां। साहिबजादा अजीत सिंह जी चुस्त अते समझदार अते बहुत ही बहादुर नौजवान सन। छोटे हुंदिया ही ओह गुरबाणी दे प्रति श्रद्धा रखदे सन। जिवें ही उन्हां ने जवानी विच कदम रखिया उन्हां ने घोड़सवारी कुश्ती तलवारबाजी अते बंदूक अते तीर आदि चलाउण विच महारत हासिल कीती। छोटी उम्र विच ही बाबा जी शस्त्र चलाउण विच माहर हो गए। 12 साल दी उम्र विच ओह 23 मई 1699 ईस्वी दे दिन 100 सिंघां दा जत्था लै के श्री आनंदपुर साहिब जी दे नज़दीक नूर पिंड गए। उत्थों दे रंगड़ पुठार दी संगत नूं श्री आनंदपुर साहिब जी आउंदे समें लुट लिया करदे सी। बाबा अजीत सिंह जी ने उन्हां रंगड़ां नूं सख्त सज़ा दित्ती। 29 अगस्त 1700 ईस्वी दे दिन जदों पहाड़ी राजियां ने किला तारागढ़ उत्ते हमला कीता तां साहिबजादा अजीत सिंह जी ने उन्हां दा मुकाबला बड़ी बहादुरी दे नाल कीता। अक्तूबर दे पहले हफ्ते 1700 ईस्वी विच जदों पहाड़ी फौजां ने किला नरमोहगढ़ उत्ते हमला कीता तां साहिबजादा अजीत सिंह जी सब तों अगे हो के लड़े अते उन्हां ने कई पहाड़ी हमलावरां दे सिर उतार दिते। इस प्रकार जदों 15 मार्च 1700 ईस्वी दे दिन ओह सिखां दा जथा लै के बजरूड़ पिंड गए। बजरूड़ पिंड दे वासियां ने कई वार सिख संगतां नूं जो कि श्री आनंदपुर साहिब विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन करन लई आउंदे सन उन्हां नूं लुट लैंदे सन। साहिबजादा अजीत सिंह जी ने उन्हां लुटेरियां नूं सबक सिखाया अते उन्हां नूं सख्त सज़ा दित्ती। 7 मार्च 1703 ईस्वी विच साहिबजादा अजीत सिंह जी बस्सी कलां गए। बस्सियां दा हाकम जाबर खां इलाके दे हिंदुआं उत्ते बहुत जुल्म करदा सी अते उन्हां दे औरतां दी बेइज्जती करदा सी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने साहिबजादा अजीत सिंह जी दे नाल 200 बहादुर सिखां दा जथा हाकम जाबर खां नूं सबक सिखाउण लई भेजिया। अजीत सिंह जी ने अपने जथे समेत जाबर खान उत्ते हमला कीता। कमसान दी जंग विच अनेकां सिंह जख्मी हो गए अते जख्मी जाबर खान नूं वी बन्न लिया गया। जख्मी सिंघां विचों कुछ सिंह रात नूं शहीद हो गए। उन्हां सिंघां दा संस्कार साहिबजादा अजीत सिंह जी ने सवेरे अपने हत्थां नाल कीता। साहिबजादा अजीत सिंह जी ने अपनी उम्र दा बहुत सारा हिस्सा श्री आनंदपुर साहिब विच ही गुजारिया। ओह हमेशा अपने पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नाल ही रहिंदे सन। जदों मई 1705 ईस्वी विच
पहाड़ी फौजां ने श्री आनंदपुर साहब जी नूं घेरा पाया तां आप भी उत्थे ही सन। 21 दसंबर दी रात नूं जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब छड्डिया तां साहिबजादा अजीत सिंह जी भी इस विच शामिल सन। सरसा नदी पार करन तों बाद साहिबजादा अजीत सिंह जी अपने पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नाल चमकौर दी गढ़ी विच पहुँचे। इस जगह ते कमसाण दा युद्ध होया। 22 दसंबर 1705 ईस्वी नूं साहिबजादा अजीत सिंह जी लखां वैरियां नूं मारदे होए शहादत दा जाम पी गए। इस तरह साहिबजादा अजीत सिंह जी ने बहादुरी दा एक बेमिसाल नमूना पेश किया। साहिबजादा अजीत सिंह जी दे जन्म दिहाड़े दियां आप समूह सिख संगतां नूं लख लख वधाइयां होवन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।